ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नोट नंबर थ्री में। नोट नंबर थ्री में क्या है कि हमने एक एक्स वाई प्लेन लिया है। उस एक्स वाई प्लेन पर हमने क्या किया है कि एक पहले तो टेन एक्स का कर्व ड्रॉ किया, मतलब एक ही एक्स वाई प्लेन पे टेन एक्स और टेन इनवर्स एक्स दोनों का कर्व ड्रॉ किया। तो ये जो तुम्हें कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व, ये किसका कर्व है? टेन एक्स का कर्व है। और ये जो कर्व दिख रहा है ना तुम्हें, ये किसका कर्व है? टेन इनवर्स एक्स का कर्व है। ठीक है, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लाइन को मिरर इमेज मान लो। अब y इज इक्वल टू एक्स में अगर तुम टेन एक्स का कर्व देखोगे तो तुम्हें किसका कर्व दिखेगा? टेन इनवर्स एक्स का। और अगर तुम टेन इनवर्स एक्स का कर्व देखोगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन में तो किसका कर्व मिलेगा हमें? टेन एक्स का। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स और टेन एक्स दोनों किस पॉइंट पर? सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो किसके इक्वल है? जीरो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर तुम टेन एक्स के कर्व को देखो, अगर तुम एक्स को पाई बाई टू की ओर, पाई बाई टू के क्लोज ले जाओ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई कहां जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर। तो टेन इनवर्स एक्स में ही एक्स और वाई अपने रोल को चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक्स, टेन इनवर्स की बात कर रहा हूं, जब एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो वाई टेन इनवर्स एक्स में कहां जाएगा? पाई बाई टू के क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाओ फिर टेन एक्स के कर्व में। जब एक्स माइनस पाई बाई टू को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो y किसे अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी को। तो टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जब x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर y किसे अप्रोच करेगा? माइनस पाई बाई टू की ओर। देखो y जा रहा है माइनस पाई बाई टू की ओर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से जाने का मतलब कि जो y होगा, मीन्स जो टेन इनवर्स x होगा, वो माइनस पाई बाई टू के क्लोज तो जा रहा है बट हमेशा उससे बड़ा है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? यहां तक नोट नंबर थ्री हो गया ये। अब ये क्या बोला जा रहा है कि ग्राफ ऑफ टेन एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन। वही बात है, टेन एक्स और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ दे रखा है सेम एक्स वाई प्लेन पर। नोट नंबर फोर में क्या बोल रहा है कि टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो ऑलरेडी पता है कि टेन इनवर्स एक्स, यहां पे ग्राफ से ही पता चल रहा है कि टेन इनवर्स एक्स और टेन एक्स हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोई ग्राफ में कहीं कोई ब्रेकेज तो नहीं दिख रहा है, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं है। तो tan इनवर्स x और tan x हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ये ऑलरेडी बता रखा है, ए पीरियोडिक। ए और पीरियोडिक अलग अलग नहीं है, ए पीरियोडिक है। ए पीरियोडिक का मतलब होता है नॉन पीरियोडिक। तो tan इनवर्स x हमारा एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। उसके बाद क्या बोल रहा है? tan इनवर्स x इज अ बाउंडेड फंक्शन। tan इनवर्स x क्या हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है। फंक्शन कब बाउंड होता है? जब तुम कोई दो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके फंक्शन के कर्व को बाउंड कर दो, मतलब कि अभी इस दो लाइन से ऊपर कर्व नहीं जाएगा, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन। तो तुम ऐसे देखो, टेन इनवर्स एक्स में अगर मैंने y इज इक्वल टू पाई बाई टू लाइन लिया और ये y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लाइन लिया, तो इस y इज इक्वल टू पाई बाई टू से कर्व टेन इनवर्स एक्स का ऊपर नहीं जा सकता है और माइनस पाई बाई टू से नीचे नहीं जा सकता है। तो tan इनवर्स x क्या हो गया हमारा? एक बाउंडेड फंक्शन हो गया। बट ये जो tan x फंक्शन है ना, ये बाउंडेड नहीं है। बिकॉज तुम देखो, कोई भी लाइन कितना भी ऊपर जाके y एक्सिस पे बना दो, उसका जो कर्व है उससे ऊपर चला जाएगा। कोई भी लाइन कितना भी नीचे जाके तुम x एक्सिस के पैरेलल बना दो, tan x का कर्व उससे नीचे चला जाएगा। सो tan x जो है हमारा ना, एक बाउंडेड फंक्शन नहीं है, बट tan इनवर्स x एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। इसके बाद यहां पे n होगा, n ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। हमें पता है ना कि tan इनवर्स ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर f ऑफ माइनस x माइनस fx के इक्वल हो जाए तो हम उसे ऑड फंक्शन बोलते हैं, और f ऑफ माइनस x अगर fx के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। तो tan इनवर्स x या tan इनवर्स फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर वन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या है, देख लो। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहले बात, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का क्या होगा? मतलब कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री एक एंगल है। कैसा एंगल है? एक ऐसा एंगल थीटा है जिस पर टेन फंक्शन का वैल्यू माइनस रूट थ्री के इक्वल है। और वो थीटा का रेंज क्या है? वो थीटा का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है,
तो यही बात को यहां बोला जा रहा है, वी नो डैट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब टैन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, एक्स है, ठीक है, तो यहां एक्स तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ये जो टैन इनवर्स एक्स है ये एक एंगल थीटा है, किस रेंज में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, रिप्रेजेंट एन एंगल इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू हूज टेंजेंट इज एक्स, हूज टेंजेंट इज एक्स। मतलब क्या बोला जाए, अगर मैं बोल के तुम्हें टैन इनवर्स एक्स दिखा के पूछू ये क्या है, तो तुम बोलोगे कि टैन इनवर्स एक्स जो है एक एंगल है, और उस एंगल का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एक एंगल थीटा है जिस पर हम टैन फंक्शन ले ले तो एक्स आ जाएगा, और एक्स का रेंज क्या, ऑल रियल नंबर, बिकॉज टैन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री, वही बात, एन एंगल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू सच दैट टैन ऑफ थीटा इज माइनस रूट थ्री, तो हमने क्या किया, टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री को थीटा बोल दिया, तो टैन थीटा हो गया माइनस रूट थ्री, इस रूट थ्री को देख के हमने लिख दिया टैन पाई बाई थ्री, फिर हमें पता है टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, तो ये माइनस अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया, टैन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, तो यहां से देख लो, यहां से और यहां से देख लो, टैन टैन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस पाई बाई थ्री, और थीटा किसके इक्वल है, माइनस टैन इनवर्स रूट थ्री, टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री के, तो टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री का वैल्यू क्या मिल गया हमें, माइनस ऑफ पाई बाई थ्री हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है कि टैन इनवर्स वन का वैल्यू निकालना है, तो कोई बात नहीं, टैन इनवर्स वन को हमने थीटा मान लिया, तो टैन थीटा वन हो गया, वन को हम क्या लिख सकते हैं, टैन पाई बाई फोर, अब ये पाई बाई फोर का तो रेंज है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, पाई बाई फोर तो 45 डिग्री है, तो ये तो लाई कर रहा है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो यहां से हमें क्या मिला, ये टैन कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, पाई बाई फोर, और थीटा किसके इक्वल है, टैन इनवर्स वन के इक्वल है, तो टैन इनवर्स वन किसके इक्वल हो गया, पाई बाई फोर के, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टैन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू निकालो, तो कुछ नहीं है, पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको मैंने क्या लिखा, माइनस साइन पाई बाई टू, फिर साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो ये क्या हो गया, टैन इनवर्स माइनस वन, अभी मैंने क्या बोला, एक तो टैन इनवर्स माइनस वन का वैल्यू तो माइनस पाई बाय फोर होगा, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ये तो एक ऐसे निकाल लो, ये तो ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी देख लो, टैन इनवर्स माइनस वन को हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि टैन थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस वन के इक्वल हो गया, माइनस वन को देख के हमने लिखा टैन पाई बाय फोर, फिर हमें क्या पता है कि टैन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, सॉरी tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, तो ये हो गया माइनस पाई बाई फोर, इसको देख के tan थीटा किसके इक्वल हो गया, tan माइनस पाई बाई फोर के, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस पाई बाई फोर के, और थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स माइनस वन, तो एक तो ऐसे प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है कि हमने क्या बोला कि tan जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि इसके आर्गुमेंट से ना इस माइनस को बाहर निकाल सकते हो, tan के आर्गुमेंट से, तो माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस टैन इनवर्स वन, और टैन इनवर्स वन का हमने वैल्यू अभी निकाल रखा पाई बाय फोर, तो ये माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है फोर्थ में, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई टू का वैल्यू निकालो, सॉरी टैन इनवर्स कॉस थ्री पाई बाई टू का वैल्यू निकालो, तो हमें पता है क्या है कि जो कॉट होता है, जो हमारा कॉट फंक्शन है वो क्या, हमारा कॉट फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या होता है, जीरो होता है, तो कॉस थ्री पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा, कॉस थ्री पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स इसका वैल्यू क्या हो गया, कॉस थ्री पाई बाई टू का जीरो, तो टैन इनवर्स जीरो इज जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सारे का हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम ऐसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टैन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, टू कॉस टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, फिर कॉस का आर्गुमेंट क्या है, टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, फिर साइन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या, वन अपॉन टू, ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले साइन इनवर्स वन अपॉन टू क्या होगा, ये होगा 30 डिग्री, 30 का मतलब पाई बाय सिक्स, तो हमें क्या मिल गया, टैन इनवर्स टू कॉस टू इंटू पाई बाय सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय थ्री, तो cos pi by 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री 1 upon 2, तो ये 1 upon 2 हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये tan इनवर्स 1 आ गया, जो कि pi by 4 हो गया, ठीक है। फिर cot का आर्गुमेंट क्या है, ये पूरा है, sin इनवर्स cos tan इनवर्स 1, फिर cos का आर्गुमेंट क्या है,
टेन इनवर्स वन, फिर टेन इनवर्स वन का आर्गुमेंट क्या वन, तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे टेन इनवर्स वन का वैल्यू डाला, ये किसके इक्वल है पाई बाय फोर के, तो हमें क्या मिल गया कॉट ऑफ साइन इनवर्स कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर का वैल्यू क्या होता है वन अपॉन रूट टू, तो इसकी जगह हमने वन अपॉन रूट टू डाला, तो साइन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या हो गया वन अपॉन रूट टू, फिर हमें पता है साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू इज पाई बाय फोर, तो ये क्या हो गया कॉट का आर्गुमेंट क्या हो गया पाई बाय फोर, और कॉट पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है वन, तो कॉट पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री में, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला है, विच इज ग्रेटर टैन ऑफ वन और टैन इनवर्स वन, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कोई बात नहीं इसको देख लेते हैं। वी नो डैट हमें पहले पता है कि टैन इनवर्स वन किसके इक्वल होता है पाई बाय फोर के, होता है ना, एंड वन जो होगा वो पाई बाय फोर से ग्रेटर होता है, क्यों होता है बिकॉज पाई बाय टू किसके इक्वल होता है पाई बाय टू इक्वल होता है 1.5 समथिंग, तो 1.5 को अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आ जाएगा, इसका क्या मतलब है पाई बाय 4 इज लेस देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, तो यहां पे हमने क्या बोला 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। अब इस पे हमने टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर दिया, अब हमें पता है कि जो टेंजेंट फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, तो हमने क्या बोल दिया टेन 1 इज ग्रेटर देन टेन पाई बाय 4। ठीक है, तो tan 1 इज ग्रेटर देन tan pi बाय 4, रीजन क्या है इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होने का कि tan x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो tan 1 जो है 1 से बड़ा है और 1 जो है वो क्या हमारा pi बाय 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब tan 1 pi बाय 4 से बड़ा है, तो यहां से क्या हो गया tan 1 इज ग्रेटर देन pi बाय 4। अब pi बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, तो इसको क्या हो गया tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, तो बोला है कि कौन सा ग्रेटर है, तो tan 1 ग्रेटर है किससे tan इनवर्स 1 से। ठीक है, ये भी बात आ गई समझ में, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n का मिनिमम वैल्यू निकालो फॉर विच tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का मिनिमम वैल्यू निकालो सच दैट tan इनवर्स, ये गिवन है, ये हमारा गिवन है, और बोल रहा है कि इनका मिनिमम वैल्यू निकालो, तो जो गिवन है उसी को यूज करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। ठीक है, और पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, तो यहां से हमें क्या मिला tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 बिकॉज पाई बाय 4 इज tan इनवर्स 1, तो यहां हमें मिल गया tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। अब इस पे, इस इनइक्वालिटी पे हमने टैन फंक्शन अप्लाई कर दिया और हमें पता है कि टैन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, तो इस पे देखो टैन फंक्शन अप्लाई कर दिया तो टैन और टैन इनवर्स कैंसिल होके एन अपॉन पाई आ गया, ये टैन और ये टैन कैंसिल होके वन हो गया, इसके पीछे का रीजन क्या है टैन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यही रीजन है, ये दोनों कैंसिल होने का ये रीजन, ये तो ऑलरेडी कई बार हजारों बार बता दिया है, तो यहां पे क्या हो गया एन अपॉन पाई इज ग्रेटर देन वन, तो एन इज ग्रेटर देन पाई, तो पाई का अप्रोक्स वैल्यू क्या होता है 3.14 और एन क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो 3.14 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर, पहला ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 6, तो एन का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा 4, 5, 6, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, बट उसमें से हमें सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 4, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज 4, तो मिनिमम वैल्यू ही तुमसे पूछ रहा था, तो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, वो किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों क्या हमारे पास इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन का इनवर्स निकालना है, फिर वही बात, फिर वही स्टोरी है, सबसे पहले क्या है वही बात जो हमने साइन के साथ किया, कॉस के साथ किया, फिर हमने किसके साथ किया टैन के साथ किया, सबसे पहले कोसेकेंट एक्स फंक्शन जो है ना वो एक मेनी वन इंटो फंक्शन है अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में, क्या हमारा मेनी वन इंटो फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डोमेन कोडोमेन को उसके रेंज से रिप्लेस कर देंगे, कोडोमेन क्या होता है कोसेक एक्स फंक्शन का कोडोमेन नहीं, रेंज क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन क्लोज यूनियन वन क्लोज टू इन्फिनिटी, तो रेंज को तो हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, कोडोमेन को रिप्लेस कर दिया रेंज से, तो फंक्शन क्या हो गया ऑन्टो,
अब हमें क्या करना होगा, कॉसेक एक्स फंक्शन के डोमेन को उस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करना होगा जिस इंटरवल में वो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। तो तुम ऐसे देखो, सबसे पहले हमारा फंक्शन जो कॉसेक एक्स फंक्शन डिफाइन करेंगे उसका डोमेन क्या होता है। डोमेन में क्या करेंगे हम, ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटा देंगे जहां साइन एक्स जीरो हो रहा है। क्यों? बिकॉज कॉसेक एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। साइन एक्स कहां जीरो होता है, एन पाई पे। तो ऑल रियल नंबर से अगर हमने एन पाई हटा दिया तो वो क्या मिल गया हमें, कॉसेक एक्स का डोमेन मिल गया। ठीक है, और को डोमेन को ऑल रियल नंबर लेते हैं, जो नेचुरल को डोमेन होता है वो तो ऑल रियल नंबर होता है। और फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखो फंक्शन का डोमेन डिफाइंड है, ये फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब तुम ऐसे देखो कि अगर हमने फंक्शन के कोडोमेन को किससे रिप्लेस कर दिया, कोडोमेन की ये रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ फंक्शन जिसको हमने कॉसेक एक्स फंक्शन बोला है, ये क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी, ये होता है ना रेंज। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऑल रियल नंबर से माइनस वन टू वन हटा देंगे, ये भी होता है इसका रेंज। ठीक है, अगर हमने कॉसेक एक्स फंक्शन के कोडोमेन को इस रेंज से रिप्लेस कर दिया तब तो फंक्शन हो गया ऑनटो। अब आई बारी डोमेन की, तो तुम ऐसे देखो, अगर ना तुमने डोमेन को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो तो हटाना पड़ेगा बिकॉज जीरो पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो अगर तुमने डोमेन को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया तो फंक्शन क्या हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो इस डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाओ तो देखो पाई माइनस पाई बाई टू के आगे जाओ, देखो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और यहां से जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में देखो फिर अगेन ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक्सक्लूडिंग जीरो फंक्शन जो है ना हमारा कॉसेक एक्स फंक्शन, वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वन वन है, तो इसका यह मतलब हुआ। और इस इंटरवल में भी देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के इंटरवल में जो कॉसेक एक्स फंक्शन है वो अपने रेंज के हर पॉसिबल वैल्यूज को भी ले रहा है। देखो यहां माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन है, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में ये माइनस वन से इंफिनिटी के बीच में वाई, और फिर पाई बाई टू पे वन है, और जीरो से पाई बाई टू के बीच में पॉजिटिव इंफिनिटी से वन के बीच में। तो अगर हमने अपने कॉसेक एक्स फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इंक्लूडिंग माइनस पाई बाई टू इंक्लूडिंग पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो, तो जो हमारा फंक्शन है ना वो उसका रेंज क्या हो जाएगा, वो रेंज के हर एक पॉइंट को ले रहा है, ये है ना रेंज, रेंज के हर एक पॉइंट को भी ले रहा है, और साथ में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वन वन भी है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, तो एक तो ये इंटरवल हो गया फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। दूसरा अगर इंटरवल तुम्हें समझ में आ रहा है तो पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू भी ले सकते हो एक्सक्लूडिंग पाई, पाई को हटा के। तो भी देखो सबसे पहले फंक्शन इस इंटरवल में रेंज के हर एक वैल्यू को ले रहा है, दूसरी बात है क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां से पाई के क्लोज जाओगे फंक्शन क्या होगा, पाई बाई टू पे वन, और जैसे जैसे पाई के क्लोज जाओगे फंक्शन चला जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को, इंक्रीज कर रहा है, पाई पे तो नॉट डिफाइंड है। पाई से अगर तुम थ्री पाई बाई टू की ओर जाओगे तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से बढ़ बढ़ के कहां तक आ रहा है, वन पर, और एक्जैक्टली थ्री पाई बाई टू पे आके, सॉरी वन नहीं माइनस वन पे, एक्जैक्टली थ्री पाई बाई टू पे आके क्या हो गया, माइनस वन। तो अगर हम लोग इंटरवल को पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में भी लेते हैं एक्सक्लूडिंग पाई, तो भी हमारा फंक्शन क्या है, वन वन है, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये भी रेंज अगर डोमेन का इंटरवल लेंगे ना तो भी काम कर जाएगा। थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू लेंगे, अगेन फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो भी काम कर जाएगा। अगर हम लोग रेंज को माइनस थ्री पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू लें तो हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो भी काम कर जाएगा। बट कोई एक ना एक इंटरवल तो हमें लेना पड़ेगा, तो हम कौन सा इंटरवल लेंगे, हम लेंगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो। अब क्यों लेंगे, ये ऑलरेडी कई बार बता रखा है, एक तो कोई एक लेना है हमें तो हमने ले लिया, दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी आसान हो जाता है। देखो साइन का भी हमने क्या लिया था, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लिया था ना, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लिया था। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, तो उसके भी डोमेन को हमने क्या ले लिया, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो तो मजबूरी हटाना होगा बिकॉज जीरो पे तो कॉसेक डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर जीरो पे कॉसेक नहीं डिफाइंड है तो उसका इनवर्स भी डिफाइंड नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो हमने जब भी अगर कॉसेक एक्स फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन की बात करेंगे, तो चाहे वो गिवन हो क्वेश्चन में चाहे नहीं गिवन हो, प्रिंसिपल डोमेन हमारा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ही होगा एक्सक्लूडिंग जीरो, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको नहीं लेंगे पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू नहीं लेंगे, थ्री पाई बाई टू टू फाइव पाई बाई टू नहीं लेंगे, थ्री पाई बाई टू से लेके फाइव पाई बाई टू तक भी फंक्शन बाइजेक्टिव बट नहीं लेंगे। अगर हम माइनस थ्री पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू ले तो भी फंक्शन बाइजेक्टिव है बट नहीं लेंगे। अगर माइनस फाइव पाई बाई टू टू माइनस थ्री पाई बाई टू ले तो भी फंक्शन बाइजेक्टिव बट फिर भी हम नहीं लेंगे। हम तो कॉसेक इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल डोमेन को क्या बोलेंगे, फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। ये आगे बात समझ में, ये ग्राफ दे रखा है कॉसेक एक्स का और एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स क्या हमारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है। clearly from the graph y is equal to cosec x is a many one into function in its natural domain and codomain. अपने natural domain और codomain में जो cosec x है वो हमारा एक many one into function है। now consider, फिर वही बात जो मैंने इतनी स्टोरी सुनाई ना वही स्टोरी यहां पे लिखी हुई है, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू ले लो, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई लिया, माइनस पाई को हटा दिया इसलिए ओपन लगा दिया, फिर माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू ले लो, तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है वन वन है और ये क्या हमारा रेंज है, तो इस पे फंक्शन इस इंटरवल डोमेन के इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब अगर माइनस फाइव पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू से तुम जाओ माइनस थ्री पाई, माइनस थ्री पाई लिया है माइनस फाइव पाई बाई टू से, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, ये हमारा माइनस टू पाई है, दिस इज नॉट माइनस टू पाई, ठीक है ठीक है, माइनस माइनस फाइव पाई बाई टू। तो यहां से अगर हमने माइनस फाइव पाई बाई टू से माइनस टू पाई तक गए, माइनस टू पाई को छोड़ना होगा, फिर माइनस टू पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू तक गए तो भी फंक्शन क्या हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो अगेन फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव हो गया, तो यही बोला जा रहा है यहां पे। और ये तो हमारा रेंज दे रखा है कॉसेक एक्स का, तो इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इस इंटरवल में आ जाए, ये तो हमारा प्रिंसिपल ही डोमेन है, इसमें भी बाइजेक्टिव है, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू ले लो एक्सक्लूडिंग पाई तो भी बाइजेक्टिव है, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू ले लो एक्सक्लूडिंग टू पाई तो भी बाइजेक्टिव है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में तुम इसको ऐसे देखो, तुम कोई भी एक इंटरवल उठा लो, जैसे मान लो कि तुमने ले लिया एक इंटरवल ले लिया पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू, कोई भी एक इंटरवल ले लो, ये इंटरवल ले लिया, जैसे हमने ले लिया पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू, इसके बीच में हमें क्या करना होगा पाई को हटाना होगा। इस इंटरवल पे क्या हमारा मतलब डोमेन के कॉसेक एक्स के अगर डोमेन को हम इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करें तो हो जाएगा वन वन, और अगर उसके कोडोमेन को हमने रेंज से रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा ऑनटो, तो फंक्शन बन जाएगा बाइजेक्टिव, तो इस इंटरवल में भी बाइजेक्टिव है। इसी को अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करें, ऐसे हम ऐड कर दें एन पाई ऐड कर दें, सिर्फ दोनों इंटरवल के दोनों पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू में एन पाई ऐड कर दें, एन पाई प्लस थ्री पाई बाई टू ऐसे बोल दें, और यहां पर हम क्या लिखे इसको लिखे एन प्लस वन इंटू पाई, अगर हम ऐसे लिख लें। अब ये इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे यहां से तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स मिलने लगेगा। मान लो कि अगर तुमने एन का वैल्यू वन लिया, पुट एन इज इक्वल टू वन, एन का वैल्यू हमने वन की जगह मान लो माइनस वन ले लिया, तो बताओ क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, और यहां क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस थ्री पाई बाई टू पाई बाई टू, और एन का वैल्यू माइनस वन लिया तो यहां क्या हो जाएगा जीरो। देख लो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो प्रिंसिपल डोमेन है वो आ गया। अगर हमने n का वैल्यू वन ले लिया, इसमें डालो n का वैल्यू वन, तो वन डालोगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस थ्री पाई बाई टू, और यहां वन डालोगे तो फाइव पाई बाई टू, और यहां वन डालोगे तो टू पाई, टू पाई तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो देख लो थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू हो गया, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू हो गया टू पाई, ये वाला इंटरवल आ गया। तो एन के इस अगर मैंने ऐसे इंटरवल लिया ना, तो n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के क्रॉस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट ये इंटरवल मिलने लगेगा।
तो ये क्या लिखा है, ये एक इनफाइनाइट इंटरवल लिखा है। इस इनफाइनाइट इंटरवल में कॉसेक एक्स जो फंक्शन है वो क्या होगा हमारा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इस इनफाइनाइट इंटरवल में हमने कौन सा इंटरवल लिया, ये इंटरवल लिया, और इसी को हमने बोल दिया प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स बोल दिया, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स बोल दिया, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स, इसी को हमने लिया, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस ये हमारा प्रिंसिपल डोमेन है ना, माइनस पाई बाई टू, इसमें एन पाई इसमें ऐड कर दो, ये पाई बाई टू है इसमें प्लस एन पाई ऐड कर दो, ठीक है। और यहां क्या लिख लो, माइनस जीरो डालने पर आना चाहिए टू एन प्लस वन, इंटू पाई बाई टू, अगर ऐसे लेते हैं ना, अगर हमने एन का वैल्यू जीरो डाला, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, टू एन माइनस वन, एन के वैल्यू जीरो के लिए, इसके लिए हमें अगर बैलेंस करना है तो एन इज इक्वल टू जीरो पे क्या होना चाहिए, यहां ये जीरो होना चाहिए, एन जीरो डालेंगे तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होगा, तो एन का वैल्यू अगर हमने जीरो लिया तो उसके लिए इसको तुम ऐसे देख लो, यहां पे थोड़ा हमें एडजस्ट करना होगा, एन का वैल्यू जीरो, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बता रहा हूं, दूसरा मैं जनरल इंटरवल है उसको लिख रहा हूं। अगर तुमने एन का वैल्यू ले लिया, यहां पे आना चाहिए हमें जीरो, तो तुम इसको ऐसे देख लो, यहां पे अगर एन का वैल्यू जीरो डालते तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू हो जाता है, और यहां पे इसको एडजस्ट करने के लिए अगर तुमने एन का वैल्यू जीरो लिया तो ये आना चाहिए जीरो, तो एन का वैल्यू जीरो तो यहां पे भी होना चाहिए जीरो, तो तुम इसको ऐसे लिख लो, इसके लिए तुम टू एन पाई, हाँ ठीक है टू एन पाई लिख लो, यहां पे ना पाई लिख लो, इसको हटा दो, सीधे टू एन पाई लिख लो। अगर एन का वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या होगा बताओ, अब एक बार चेक कर लेते हैं, अगर एन का वैल्यू जीरो डालते तो यहां से क्या मिलेगा हमें, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो। अगर एन का वैल्यू वन डालते तो वन डालेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई टू, एन का वैल्यू वन डालेंगे तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई, तो ये हो गया पाई बाई टू, और यहां अगर वन डालते तो ये होगा थ्री पाई बाई टू, और ये क्या हमारा 2n पाई, तो n का वैल्यू 1 डालते हैं तो माइनस n का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई, देखो आ गया 3 पाई बाई 2 से 1 डालेंगे तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, देख लो पाई बाई 2 से, तो यहां पे 2n पाई लिख लो फिर इसको, अब आ जा रहा है देखो इसको, फिर एक बार मैं बताता हूं, देखो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो देखो प्रिंसिपल डोमेन क्या हमारा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने ऐसे कर लिया माइनस पाई बाई टू, इसमें एन पाई ऐड कर दिया, और यहां पे पाई बाई टू, इसमें भी एन पाई ऐड कर दिया, और इसको मैंने एन पाई कर दिया। अब ये फिर इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हमने पुट एन इज इक्वल टू वन वन किया तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, यहां पे क्या, तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, एन का वैल्यू वन डाला है तो ये हो जाएगा माइनस पाई, देख लो एक ही इंटरवल आ गया, पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू, ये क्या हो गया एक्सक्लूडिंग पाई। अगर हमने पुट एन इज इक्वल टू माइनस वन, इसका कोई माइनस वन टू क्या हो गया माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, ये पाई बाई टू माइनस पाई, ये हो गया माइनस पाई एन का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग माइनस पाई, देख लो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू आ रहा है एक्सक्लूडिंग माइनस पाई। तो ऐसे भी तुम इनफिनाइट इंटरवल लिख सकते हो, ये भी कहने का मतलब है तुम ऐसे भी इनफिनाइट इंटरवल लिख सकते हो,
ठीक है, इन सारे इनफाइनाइट इंटरवल में जो हमारा टैन इनवर्स फंक्शन है वो क्या, हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये बात आ रही होगी समझ में, तो यही बात में यहां पे लिखा हुआ है माइनस पाई बाई टू एन पाई। अब अच्छा, इसने क्या किया, जैसे मैंने अलग से कर दिया ना यहाँ पे, इसमें माइनस पाई बाई टू में एन पाई एड किया, ये वाला लिया है, ये लिया, इसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस इनफिनाइट इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाले टेंशन से हट जाओ, इसको लिख दो माइनस टू माइनस पाई बाई टू से एन पाई, बीच में एन पाई को छोड़ दो, यूनियन पाई बाई टू से, ठीक है, एन पाई से लेके यहां पे पाई बाई टू नहीं होगा, एन पाई छोड़ना है ना, दिस इज एन पाई, एन पाई से लेके पाई बाई टू प्लस एन पाई। ये बच्चों ये ओपन है, ये कुछ नहीं है, आ रही है बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो पाई बाई टू टू प्लस एन पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इनफाइनाइट इंटरवल है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बोला है एक्चुअली, एफ हमारा जो फंक्शन है ना, माइनस पाई बाई टू से एन पाई और कॉमा एन पाई यूनियन, ये एन पाई को छोड़ दिया, से लेके दिस, ये भी डिफाइंड बाय कॉस एक्स एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमारा एक इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इनफाइनाइट इंटरवल में हमने कौन सा इंटरवल लिया, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है, यहां पे वही बोला जा रहा है, बट माइनस पाई बाई टू जीरो छोड़ दिया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिया हमने एक्सक्लूडिंग जीरो, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डोमेन फॉर विच कॉसेक एक्स इज इनवर्टेबल, इसको हम प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे जिसपे कॉसेक एक्स क्या होगा, हमारा इंटरवल होगा, ये इनवर्टेबल होगा। तो हमने फंक्शन ले लिया माइनस पाई बाई टू टू जीरो यूनियन जीरो टू पाई बाई टू ले लिया, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमने कॉसेक एक्स के कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दिया। तो अब हमने क्या डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स, ये एक्स कहां से आएगा, इस डोमेन से आएगा, फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जब इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स में क्या होता है, जो एफ फंक्शन का डोमेन कोडोमेन हो जाएगा और जो एफ फंक्शन का कोडोमेन डोमेन बन जाएगा, एफ फंक्शन का ये डोमेन है ना, ये एफ इनवर्स का कोडोमेन बन गया और एफ फंक्शन का जो कोडोमेन है एफ इनवर्स का डोमेन बन गया। तो अब अगर मैं बोलूं कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस माइनस वन टू वन। अब कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, जो कॉसेक एक्स फंक्शन का डोमेन है वो क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो, डिफाइंड बाय एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये भी ऑलरेडी बता रखा है कि अगर हमारा एफ बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब ये बात तो कई बार बता जा चुकी है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू, ये थीटा कहां से आएगा, कॉसेक एक्स के प्रिंसिपल डोमेन से, और कॉसेक एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या है, फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो। अब ये कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के, और ये एक्स कहां से आएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स के डोमेन से, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फ्रॉम माइनस वन टू वन, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा एंड कॉसेक इनवर्स एक्स इन इट्स प्रिंसिपल डोमेन, कॉसेक थीटा का ग्राफ और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो कॉसेक थीटा, अब प्रिंसिपल डोमेन की बात करेंगे तो हमारा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है एक्सक्लूडिंग जीरो, तो माइनस पाई बाई टू से पहले के ग्राफ को और पाई बाई टू के आगे के ग्राफ को हटा दिया, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसी का इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालना है, इसका क्या मतलब है कि लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज ले लो, ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जीरो पर कॉस फंक्शन का वैल्यू जीरो पर क्या है, जीरो पर नॉट डिफाइंड है, जीरो पर नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स भी जो होगा वो जीरो पर डिफाइंड नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स जो है ना हमारा फंक्शन जीरो पर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। दूसरी बात क्या है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स फंक्शन का वैल्यू पाई बाई टू पर वन है, तो कॉसेक इनवर्स का वैल्यू वन पर पाई बाई टू होगा, देख लो वन पर पाई बाई टू है। फिर कॉसेक एक्स फंक्शन का वैल्यू माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन है,
सॉरी कॉसेक इनवर्स बोल रहा हूं, कॉसेक फंक्शन का वैल्यू माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन है, तो कॉसेक इनवर्स फंक्शन का वैल्यू माइनस वन पर माइनस पाई बाई टू होगा, वो देख लो। अरे बात समझ में, ये लाइन हमारा क्या है, ये लाइन हमारा x इज इक्वल टू पाई बाई टू है, ये लाइन क्या हमारा x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम कॉसेक थीटा के कर्व में क्या देख रहे हैं कि अगर हम थीटा को जीरो के क्लोज ले जाए, जीरो के क्लोज ले जाए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा। इसका जस्ट रिवर्स काम किसमें होगा, यहां जो x का काम कर रहा है यहां y का काम करेगा, यहां जो y का काम कर रहा है यहां x का काम करेगा। x को जीरो की ओर ले जा रहे हैं तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहां पे अगर हम x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर ले जाएं तो y जीरो को अप्रोच करने लगेगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब कि हमेशा जीरो से बड़ा होगा बट जीरो के क्लोज जाएगा। फिर अगर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम x को जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो y माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहां पे x को कर रहे हैं हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड से तो y माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहां पे अगर x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, देख लो x अगर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो फिर y किसकी ओर जाएगा, y हमारा किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर। कहां से जीरो की ओर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका मतलब क्या है कि y जीरो के क्लोज तो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, इसका मतलब है कि y कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा बट जीरो से हमेशा स्मॉलर होगा। तो ये ग्राफ बन गया। अब देख लो यहां y का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में नहीं है, तो यहां x का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में नहीं है, ठीक है। यहां पे पाई बाई टू पे वन वैल्यू है तो वन पे पाई बाई टू है, यहां पे माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन है तो माइनस वन पे माइनस पाई बाई टू है। ये ग्राफ हो गया किसका, कॉसेक इनवर्स x का, और ये ग्राफ हो गया कॉसेक थीटा। अब देखो मैंने कई बार बोल रखा है थीटा की जगह x बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा को x बोल दिया तो प्रॉपर्टी थोड़े ना चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये कॉसेक x फंक्शन का कर्व है प्रिंसिपल डोमेन में और ये कॉसेक इनवर्स x का कर्व है। ये बात आ रही समझ में, होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो